दोस्तों, क्या आपने कभी इंडिया में सबसे ज्यादा जहरीला सांप को देखा है, जिसके एक बार काटने से इतने जहर निकलते हैं कि 60 लोगों की मौत हो सकती है? और क्या आपने इस सांप को देखा है जो दूसरे सांप को मार के खा जाता है? तो गाइस, इस वीडियो में आज मैंने बात करने वाला हूँ इंडिया के 5 सबसे जहरीला सांप के बारे में, जिसे देख के आप भी हैरान हो जाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो हमारे चैनल में अगर आप नए हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। तो टॉप 5 पर आता है किंग कोबरा। इस सांप के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंडिया में नहीं दुनिया में सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। और इस सांप को कुछ लोग देखते भी है और कुछ लोग इसके लंबाई देख कर डर जाते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई होती है 13 फुट से लेकर 15 फुट तक होती है। किंग कोबरा में न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। अगर किसी इंसान को ये काट ले तो उसकी 30 मिनट के अंदर मौत हो जाती है, अगर एंटीडोज उसे नहीं दिया गया तो। किंग कोबरा की खासियत यही है, वो किसी पर इतना जल्दी अटैक नहीं करता। जब तक उसे कोई छेड़खानी ना करे तब तक वो किसी को अटैक नहीं करता। टॉप 4 में आता है साउथ कोल्ड वाइपर। यह सांप लंबाई में तो छोटा होता है, लेकिन ये बहुत डेंजर होता है। इसी के साथ साथ फुर्तीले भी होता है। अगर किसी को हमला करता है वो, तो उसकी रफ्तार इतने ज़्यादा होते हैं कि आप देख भी नहीं पाओगे। इस सांप ज़्यादा पथरीले इलाके में पाया जाता है। इसको इंडिया में लिटिल वाइपर नाम से जानता है। इस सांप में यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, इसलिए बहुत जहरीला होता है। इंडिया में 5000 से भी ज़्यादा सांप के काटने से होने वाली मौत की जिम्मेदार ये सांप है। टॉप 3 पे आता है रसल वाइपर। रसल वाइपर ये सांप इंडिया के तीसरा जहरीला माना जाता है। इस सांप को इंडिया में कोरियाला नाम से जाना जाता है और इस सांप की लंबाई 3.3 फीट होती है। इस सांप का हमला करने का स्पीड बहुत तेज होता है। इस सांप में होमोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, जिसके कारण 45 मिनट के अंदर लोगों की मौत हो जाती है। इस सांप के काटने से इंडिया में 25,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत होती है। तो आप जान चुके होंगे सांप कितने जहरीला है। तो आता है टॉप 3 पे स्पेक्टिकल कोबरा। इस सांप को इंडिया में इंडियन कोबरा और नाग के नाम से जानते हैं, जो कि इंडिया में दूसरा खतरनाक सांप माना जाता है। यह ज़्यादातर नदियों के किनारे और गांव के आसपास रहता है, मेंढक और छिपकली को शिकार बनाता है, और यह मंदिरों में इसकी पूजा भी किया जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। यह सांप बहुत जहरीला होता है, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। यह सांप पूरा इंडिया में पाया जाता है। इसका इतना जहर होता है, इंडिया में 15,000 लोगों की मौत इसी सांप के काटने से होती है। अब हम बात करेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा जहरीला सांप के बारे में, जिसका नाम है इंडियन क्रैट स्नेक। ये सांप इंडिया का सबसे जहरीला सांप है, जिसको एक बार काटने से इसका जहर इतना निकलता है कि 60 लोगों की मौत हो सकती है। इस बातों से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जहरीला है। ये सांप देखने में बिल्कुल काला है, जिसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद धब्बा कुछ लगा है, और ये सांप ज़्यादातर के अकेले रहना पसंद करता है, और ये सांप हमला करने से पीछे कभी नहीं हटता है। इंडिया में 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत इस सांप के काटने से होती है। तो गाइस, इस 5 जहरीला सांप में से सबसे ज़्यादा जहरीला सांप आपको कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ही तो करना है यार, लाल बटन है, क्लिक ही करना है, क्लिक ही कर दो यार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।